दोस्तों, भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे और शैया पर लेटे लेटे वे सोच रहे थे कि मैंने कौन सा पाप किया है जो मुझे इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। महाभारत युद्ध में भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर लेटे होने का प्रसंग बहुत ही प्रसिद्ध है। इस प्रसंग के मुताबिक भीष्म को बाणों की शैया पर लेटकर अपनी मौत का इंतजार करना पड़ा था। महाभारत युद्ध से जुड़े प्रसंगों में भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिलने के वजह के बारे में भी बताया गया है, जिसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये प्रसंग जानना हम सबके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि हम ये समझ सके कि हमारे बुरे कर्मों का फल हमें अगले जन्मों तक भी मिलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने तब उन्हें उनके उस पाप के बारे में बताया था जिसके कारण उन्हें ये कष्ट झेलना पड़ा। आइए जानते हैं भीष्म पितामह को क्यों मिली बाणों की शैया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया भीष्म पितामह को इसका रहस्य। दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो जानते ही होंगे। कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुआ ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस युद्ध में पहले 10 दिनों तक कौरवों की ओर से भीष्म पितामह सेनापति थे। 10वें दिन अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी। अर्जुन के तीरों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए, लेकिन भीष्म पितामह की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म पितामह महाभारत की कथा के एक ऐसे नायक हैं जो आरंभ से अंत तक इसमें रहे। भीष्म पितामह ने जीवन भर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया और हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में देखकर ही अपने प्राणों का त्याग किया। उन्हें देवव्रत व गंगापुत्र आदि नाम से भी जाना जाता है। राजा शांतनु ने देवव्रत को हस्तिनापुर का राजकुमार घोषित कर दिया और उसके कुछ दिन गुजरने के बाद राजा शांतनु को सत्यवती नाम की एक स्त्री से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे विवाह करने का मन बना लिया। लेकिन सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु से विवाह करने के लिए एक शर्त रख दी। शर्त के मुताबिक राजा शांतनु और उनकी बेटी सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बनेगा, तभी वह अपनी बेटी का हाथ राजा शांतनु के हाथ में देंगे। अपने पिता पर आए इस धर्म संकट को देखते हुए देवव्रत ने पिता के प्यार की खातिर अपना राज्य त्याग कर पूरे जीवन शादी ना करने का प्रण ले लिया था और ऐसे भीष्म प्रण और प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही हमें एक पराक्रमी योद्धा का सशक्त चेहरा याद आता है, एक ऐसा पितृभक्त पुत्र जिसने अपना पूरा जीवन एक प्रतिज्ञा को निभाने में निकाल दिया, एक ऐसे निष्काम कर्मयोगी जिसने अपने पिता के लिए अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और सुखों का त्याग कर दिया था। पुत्र की कामना से शांतनु के पिता महाराजा प्रतीप ने गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं जहनू ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्रवधु के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। ये सुनकर गंगा वहाँ से चली गई और जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा और इसी शांतनु से गंगा का विवाह हुआ। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया और 8वें पुत्र को पाला पोसा। उनके अर्थ वे पुत्र का नाम देवव्रत था। ये देवव्रत ही आगे चलकर पितामह भीष्म कहलाया। गंगा पुत्र भीष्म पिछले जन्म में द्यो नामक वसु थे। एक बार राजा पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ वशिष्ठ ऋषि का आश्रम भी था। एक वसु पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। ये गाय समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली थी।
उसने उसे अपने पति द्यो नामक वसु को दिखाया तथा कहा कि वो ये गाय अपनी सखियों के लिए चाहती है, आप इसे हर ले। पत्नी की बात मानकर द्यो ने अपने भाइयों के साथ उस गाय को हर लिया। वसु को उस समय इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि वशिष्ठ ऋषि बड़े तपस्वी हैं और वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वसुओं को जब ये बात पता चली तो वे ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए। तब ऋषि ने कहा कि बाकी सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस द्यो नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा और यह पृथ्वी पर संतानहीन रहेगा। महाभारत कथा के अनुसार गंगा पुत्र भीष्म व द्यो नामक वसु थे। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे तथा अंत में अपनी इच्छा मृत्यु से ही अपने प्राण त्यागे। हालांकि मृत्यु के दौरान वे 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेटे थे। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध समाप्त हो जाने के बाद जब भगवान कृष्ण जब भीष्म के पास आए तो उन्होंने पूछा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि बाणों की शैया पर लेटा हूँ पर प्राण नहीं निकल रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपने पुराने जन्मों को याद करो और सोचो कि आपने कौन सा पाप किया है। भीष्म बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने कृष्ण से कहा कि मैंने अपने पिछले जन्म में रति भर भी पाप नहीं किया है। भीष्म का कहना था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों तक कोई गलत काम नहीं किया है, मैंने सदा दूसरों की मदद की है, इसलिए मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आखिर मुझे किस पाप का फल मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि आपने पिछले 100 जन्मों में कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन पिछले 101वें जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया है और आपको उसी अपराध की सजा मिल रही है। उस जन्म में जब आप राजकुमार थे और घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, उसी दौरान आपने एक नाग को जमीन से उठाकर फेंक दिया तो कांटों पर गिर गया था, पर 6 माह तक उसके प्राण नहीं निकले थे। उसी कर्म का फल है जो आप 6 महीने तक बाणों की शैया पर लेते हैं। इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि द्रौपदी के चीरहरण के समय चुपचाप सिर झुकाकर बैठे रहने की वजह से भी भीष्म पितामह को बाणों की शैया मिली थी। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल ज्ञान गंगा हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखें। धन्यवाद।